डायबिटीज इज द डिजीज विच इज स्प्रेडिंग इन इंडिया लाइक अ मेनेस, और मेरी जो प्रैक्टिस हॉर्मोन्स की है वो आम तौर पे डायबिटीज की है. आप समझिए 80% ऑफ माई ओपीडी इज डायबिटीज, 15-16% थायराइड, और उसके अलावा जो और हॉर्मोन्स आते हैं. जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं हमारे से वो ये है कि खाना क्या है, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और वो इसलिए है क्योंकि ढंग से चीज बताई नहीं जाती है और भ्रांतियां चली आ रही है. तो सबसे पहले तो मिठाई बिल्कुल भी नहीं खानी डायबिटीज में. सवाल ये पैदा होता है कि शुगर फ्री एक बहुत लेम टर्म है, एक बहुत वाइड टर्म है. तो एक दवा है स्टीविया, वो पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, पाउडर है, वो आप खा सकते हैं. दूसरा जो पूछते हैं चावल, चावल बिल्कुल भी मना नहीं है डायबिटीज में, ये बात समझने वाली है. दूसरा काम कार्ब्स बंद. अरे कार्ब्स क्यों बंद करने हैं, रोटी और बर्फी एक समान नहीं है, चावल और लड्डू एक समान नहीं है. बर्फी लड्डू साफ साफ मीठा है, और रोटी और चावल साफ साफ मीठा नहीं है. 55-60% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, वरना बॉडी में नुकसान होगा. तो आप 2-3 फुलके खा सकते हैं हर मील में, कोई दिक्कत नहीं है. जिस दिन आपको चावल खाने हैं आप चावल लीजिए, आधी कटोरी पौना कटोरी, और एक रोटी कम कर दीजिए. सवाल पैदा होता है ब्राउन राइस या वाइट राइस. स्पष्ट बात है ब्राउन राइस से शुगर कम बढ़ेगी, लेकिन ब्राउन राइस कई बार अच्छे से पक नहीं पाते हैं, कई बार लोगों को टेस्ट माफिक नहीं आता है. अब बीमारी अगर 1-2 दिन की हो तो आप भी संभाल लें, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग बीमारी है. तो अपने को वो चीज खानी है जिसका जायका तो माफिक आए अपने को. सो अगर आप खाना चाहते हैं वाइट राइस, आप बिल्कुल खाइए. रोटी कौन सी खाएं, आटे की या मिक्स्ड या बेसन की? सबसे अच्छी मिक्स्ड है, उसके बाद बेसन, उसके बाद गेहूं. इसका कतई मतलब नहीं है कि गेहूं की रोटी बुरी नहीं है, बुरी है. आप गेहूं की रोटी बिल्कुल खा सकते हैं. अब बात करें नमकीन की. अब नमकीन जो होते हैं, मुश्किल क्या है, वो मीठे होते नहीं और इसलिए खाते हैं जी भर के. नमकीन तो डीप फ्राइड है. बात समझने की ये है कि 1 ग्राम कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज है, और 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरीज है. तो ऑयल में आप 2.25 गुना ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं. ये भी जो मिक्सचर्स है, नमकीन है, भुजिया, ये सब है, बहुत हानिकारक है. ऊपर से नमक, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को अमूमन ब्लड प्रेशर होता है, अमूमन. तो आपने कैलोरीज भी खा ली और नमक तो खा ही लिया ऐसा नमकीन में. तो इसके लिए रोस्टेड नमकीन, लैया चने या चने मुरमुरे जो भी बोलते हैं आप खा सकते हैं. अब रही बात जूस की. जूस बहुत जायकेदार होता है और तथाकथित तुरंत ताकत देता है. जूस तो चीनी है. अब लोग बोलते हैं कि साहब नो एडेड शुगर. अरे उसमें पहले इतनी चीनी है, आप क्या आगे ऐड करेंगे? फ्रूट बना है शब्द फ्रक्टिस से, और फ्रक्टिस बना है फ्रक्टोस से, जो कि सबसे मीठी चीनी होती है. तो आप फलों का जूस नहीं पिएंगे. पेशेंट्स पूछते हैं घर का निकला हुआ भी नहीं? हां बिल्कुल नहीं. आप पूरा संतरा खा लीजिए, संतरे का जूस मत पीजिए. एप्पल खा लीजिए, एप्पल जूस मत पीजिए. कारण समझिए, एक संतरे से या एक एप्पल से आपकी नियत भर जाएगी. जूस तो अंदर गया गया, साथ में फाइबर भी गया. एप्पल जूस, एक एप्पल का जूस इतना सा होता है, मतलब आप 2-3 एप्पल का जूस पिएंगे और बिना फाइबर के पिएंगे, तो देखिए शुगर कहां पहुंचेगी. सो किसी भी प्रकार का जूस, चाहे वो होममेड क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं पीना. तो खाने के बारे में ये थी. मैं बता दूं, आलू चावल मना नहीं है डायबिटीज में. कोई मुझसे बहस भी कर सकता है कि साहब
लोग तो बोलते हैं आम भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप एक काम की आधी फांक खा लीजिए तो फिर कैसे होगा? वो ना कभी आधी फांक खाई जाएगी, पूरा आम खाया जाएगा और दिक्कत होगी। ये विदेशों में बातें पसंद है जहां पे हर चीज में होती है कैलोरी काउंटिंग, अपने देश में अभी वो प्रचलन में नहीं है। और जब तक नहीं है, आम हो गया, चीकू हो गया, ये सब हो गए, हमें इनको ब्लैंकेट नो बोलना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स या जूस, हमें इनको ब्लैंकेट नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मात्रा अलाउड है हम उसे पिएंगे नहीं, कहीं ज्यादा पिएंगे। तो ये खाने के बारे में था, और यही मुझे दूर करनी थी चीज कि आलू चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, और जो तली मली चीजें हैं, पूरी पराठी कचौड़ी समोसे, ये सब नहीं खाते।